नमस्कार। इस हफ्ते हम बात करेंगे अभी 16 सितंबर को गुजरात में अडानी का एक बंदरगाह है जिसका नाम है मुंड्रा। तो मुंड्रा अडानी पोर्ट पे 2,990 किलोग्राम हीरोइन डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने पकड़ा, और ऐसा बताया जा रहा है कि इसके पहले काफ़ी इस तरह की हीरोइन या नशीली दवाएं यहाँ पे आई हैं और यहाँ से देश के अलग अलग इलाकों में गई हैं, जिसको पकड़ नहीं पाया गया। और ये जो हीरोइन है ये आया है अफ़गानिस्तान से ईरान के एक बंदरगाह के माध्यम से। तो ये सब जानते हैं कि अफ़गानिस्तान में जो तालिबान के पास हथियार हैं उसका स्रोत, जिस पैसे से वो ख़रीदा गया, वो कमाई का स्रोत नशीली दवाओं का व्यापार है। और अफ़गानिस्तान की जो नशीली दवाएं हैं वो भारत में आ रही हैं ईरान के माध्यम से, पाकिस्तान के माध्यम से। और गंभीर बात यह है कि इधर बड़ी तेज़ी से निजी बंदरगाह और निजी हवाई अड्डे जो बनाए तो सरकार ने, लेकिन वो निजी कंपनियों को सौंप रही है, जिसमें अडानी एक प्रमुख कंपनी है, उनके संचालन के लिए। तो अब बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर हमारे बंदरगाह और हवाई अड्डे अगर निजी कंपनियों के हाथ में रहेंगे तो वहाँ पे क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, इसकी सरकार को कोई खबर नहीं रहेगी। क्योंकि ये हीरोइन पकड़े जाने के बाद अडानी पोर्ट के जो भी अधिकारी हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारा काम पुलिसिंग करना नहीं है, हम तो अपनी सेवाएं दूसरी कंपनियों को दे रहे हैं कि वो अपना माल पानी के जहाज पे भेजे और यहाँ वो सामान उतरेगा और फिर जहाँ भी जाना है जाएगा, या जो सामान जाना है कहीं और वो आएगा और वो लोड होगा जहाजों पे। उनका कहना है कि हम सामान की जांच नहीं करेंगे। ठीक है, निजी कंपनी की ये जिम्मेदारी नहीं है, ये जिम्मेदारी सरकार की ही है कि वो सामान की जांच करेगी। लेकिन जब पूरा का पूरा बंदरगाह और हवाई अड्डा एक निजी कंपनी के हाथों में है, प्रबंधन उसका है, तो वहाँ पे सरकार का कितना हस्तक्षेप रहेगा ये कहना मुश्किल है। मतलब कोई अवैध सामान आया उसको निजी कंपनी बड़ी आसानी से छुपा सकती है और पुलिस की या सुरक्षा कर्मियों की नज़र बचा के उसको वहाँ से निकाल भी सकती है। आखिर इसी अडानी मुंद्रा बंदरगाह पे नशीली दवाएं आई हैं पहली, ऐसे गुजरात के अखबार बता रहे हैं। तो ये बड़ी गंभीर बात है कि निजीकरण का एक ये पहलू जो शायद इस घटना से पहले बहुत कम लोगों के ध्यान में आया होगा। जो लोग बंदरगाहों का, हवाई अड्डे का निजीकरण कर रहे हैं, शायद उनका ये उद्देश्य भी हो एक कि जब निजी हाथों में ये सब बंदरगाह और हवाई अड्डे और अब तो धीरे धीरे रेलवे स्टेशन भी जा रहे हैं, तो वहाँ क्या आएगा क्या जाएगा ये इस पे सरकार की नज़र नहीं रहेगी, या रहेगी भी तो उतनी कड़ी नज़र नहीं रहेगी। और जो अवैध धंधों में लिप्त लोग हैं उनका कारोबार आसान हो जाएगा। और ऐसा लग रहा है कि ये सरकार की मिलीभगत से हो रहा है। ये तो सर्वविदित है कि अडानी की नरेंद्र मोदी से निकटता है, व्यक्तिगत निकटता है। अडानी का नाम कोई मोदी के प्रधानमंत्री बनने के पहले भारत में जानता नहीं था। गुजरात के एक जाने माने पूंजीपति जरूर थे, लेकिन गुजरात के बाहर उनकी ज़्यादा पहचान नहीं थी। ये तो जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री के रूप में गुजरात के प्रधानमंत्री की शपथ लेने गए और सबने देखा
कि वो अडानी के जहाज से गए, लोकसभा के चुनाव के प्रचार में अडानी के जहाज का उन्होंने इस्तेमाल किया, तब लोगों ने अडानी का नाम सुनना शुरू किया और आज वो अडानी भारत के कम से कम 6 बड़े हवाई अड्डों का प्रबंधन कर रहा है। उसका अपना निजी बंदरगाह है गुजरात में और उसको बहुत सारी छूट सरकार दे रही है। तो अब ये शक होने लगा है कि कहीं सरकार अडानी के साथ मिलके ये जो अवैध व्यापार है, नशीली दवाओं का है, दूसरी चीज़ों का भी है, कहीं इसको बढ़ावा तो नहीं देना चाहती है, क्योंकि सरकार चलाने की अपनी एक मजबूरी होती है। आपको सत्ता में रहना है, सत्ता में रहने के लिए आपको धन चाहिए, तो ये धन जो है अवैध कारोबार से बड़ी आसानी से मिल सकता है। सबको मालूम है कि चुनाव में अवैध धन खर्च होता है, जो सीमा चुनाव आयोग तय करता है खर्च के लिए, विधानसभा संसद के चुनाव के लिए उससे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तमाम दावों के बावजूद कि उसने भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाया है, देखने को ये मिल रहा है कि भ्रष्टाचार बढ़ा है और अवैध व्यापार भी बढ़ रहा है और निजीकरण की आड़ में तो और बढ़ रहा है। लेकिन ये देश की सुरक्षा के लिए एक बहुत गंभीर खतरा है, क्योंकि अगर अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान से नशीली दवाएं इस देश में लाई जा रही हैं, तो इसका मतलब ये कि फिर कुछ भी लाया जा सकता है और कुछ भी यहाँ से ले जाया जा सकता है। और इसमें ये जो पूरा गठजोड़ है, ये एक किस्म की के माफिया तंत्र को बढ़ावा दे रहा है, क्योंकि ये अवैध कारोबार में बड़े माफिया ही लिप्त होते हैं और जिस तरह से आसानी से ये हुआ निजीकरण के दौर में, तो ये और भी मुश्किल हो गया है इस तरह के सवाल पूछना कि भाई ये सामान जाना था विजयवाड़ा की एक कंपनी के यहाँ जाना था, इसको बताया गया था कि ये टैल पाउडर है क्योंकि वो देखने में हीरोइन जैसा ही लगता है, लेकिन था असल में हीरोइन, जाना था विजयवाड़ा, ये चेन्नई बंदरगाह पे उसको उतरना चाहिए था, लेकिन ये अडानी के मुंड्रा बंदरगाह पे क्यों उतरा। तो निजीकरण के दौर में लोग कहेंगे कि भाई वो कंपनी जहाँ चाहे वहाँ भेजेगी, तो इस तरह के सवाल पूछना और कठिन होगा कि ये जो अवैध कारोबार हो रहा है ये कैसे हो रहा है, कहाँ हो रहा है, और ये सरकार के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा इस पे कड़ी नज़र रखना। तो ये देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है इस तरह का निजीकरण। वैसे तो निजीकरण का विरोध दूसरे कारणों से किया जाता है, क्योंकि वो देश में अमीर और गरीब के बीच की दूरी को बढ़ाता है, रोजगार कम करता है और अन्य तमाम चीज़ें, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। लेकिन अब ये जो घटना हुई है अडानी के मुंड्रा बंदरगाह पे, जो लगभग 3,000 किलोग्राम का हीरोइन पकड़ा गया है, अब ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि इस तरह का जो निजीकरण है कि हमारे बंदरगाह, हवाई अड्डे, रेल स्टेशन और इस तरह के जो बड़े बड़े संस्थान हैं उनको हम निजी कंपनियों को सौंपते चले जा रहे हैं, तो ये देश की सुरक्षा के लिए ही कहीं खतरा ना बन जाए। और इसमें जो नेता वर्ग हैं, जो राजनीतिक दल हैं, जो देश की नीतियां तय करते हैं, जो व्यापारी हैं, जो माफिया हैं, जो दलाल हैं, इस तरह के जितने भी लोग हैं जिनको इससे फ़ायदा मिलने वाला है इस तरह के अवैध कारोबार से, सबका निहित स्वार्थ तो इसमें है ही कि निजीकरण की नीतियां फले फूले, लेकिन देश के लिए ये बात बहुत खतरनाक है। ये बात हमको समझ लेनी चाहिए। अडानी मुंड्रा बंदरगाह पे जो ये 3,000 किलोग्राम का हीरोइन पकड़ा गया है, और अगर निजीकरण की प्रक्रिया पे रोक नहीं लगाई गई, अंकुश नहीं लगाया गया, तो देश के लिए खतरा, देश की सुरक्षा के लिए खतरा और बढ़ेगा। देश जो बर्बाद हो रहा है नशीली दवाओं से, आखिर इसका सेवन तो हमारे युवा ही करेंगे। पंजाब में संपन्नता एक तरफ आई,
तो दूसरी तरफ नशीली दवाओं का सेवन बढ़ा, तो पंजाब को उसने बर्बाद किया, वहाँ की युवा पीढ़ी को बर्बाद किया। इस समय जो किसान आंदोलन चल रहा है वो न सिर्फ फसल बचाने की बल्कि नस्ल बचाने की भी लड़ाई लड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि हमको अपनी नस्ल बचाने के लिए ये जो अवैध नशीली दवाओं का कारोबार है इसको पूरी तरह से रोकना पड़ेगा, और इसको रोकने के लिए जो निजीकरण की नीति हमारी सरकार ने अपनाई है इस पर भी रोक लगानी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।